পরিচালনা করবে। কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তরের তরফে দিল্লির পর এবার বাংলায় রেলের মাল গুদামের ঠিকা শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করবার কাজ শুরু হলো। আজ বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে এসে একথা বললেন মনোরঞ্জন কুমার। বলেন, শ্রম দপ্তরের আইন সংস্কারের পরে 70 বছর ধরে শ্রমিকরা তাদের অধিকার পাচ্ছেন, অন্যদিকে রেলের বেসরকারীকরণ হচ্ছে না, বরং আয় বাড়াতে চেষ্টা করছে মোদী সরকার। অনুষ্ঠানে এসে একথা বললেন ভারতীয় রেল গোদাম সংঘের প্রধান পুরোধা ব্যক্তি অরুণ কুমার পাসওয়ান। সারা দেশে 6.5 লাখ এবং পশ্চিমবঙ্গে 70,000 এই ঠিকা শ্রমিকদের পঞ্জীকরণের কাজ শুরু হলো এই সংগঠন। মমতা ব্যানার্জি কিংবা লালু প্রসাদ যাদব কারো সময় এই ধরনের শ্রমিকের স্বার্থে সরকার কাজ করেনি বলে তাদের অভিযোগ। এই দিন মনোরঞ্জন কুমার দাবি করেন, তারা লাগাতার আন্দোলন করবার কারণেই আজ শ্রমিকদের স্বার্থে এই উদ্যোগ নিল কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর। এই নাম পঞ্জীকরণের পর সকলের নাম তুলে দেওয়া হবে রেল মন্ত্রকের কাহাতে, আর তারপর থেকেই সারা দেশে 6.5 লাখ শ্রমিক নতুন শ্রম আইন অনুযায়ী সব সুযোগ সুবিধা পাবেন বলে দাবি মনোরঞ্জন কুমারের। अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है ने? यह भारतीय रेल जो है, रेलवे, अरे शांत रहो दो मिनट, रेलवे गुड सेट में जो मजदूर काम कर रहा था आज तक, है ना, आज़ादी के पहले से लेकर अभी तक, और इसका पंजीकरण सरकार के पास नहीं था, वो सरकार को मालूम ही नहीं था कि यहाँ माल गोदाम में कोई मजदूर काम करता है। हम लोग 98 से लड़ाई लड़ते 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 यहाँ तक आए हैं। तो सरकार ने जो 3-4 कोड पारित किया है उसमें से भारतीय रेलवे माल गोदाम को भी एंट्री किया है और इसका रजिस्ट्रेशन सरकारी हो रहा है, जिससे सरकार को पता चलेगा कि पूरे हिंदुस्तान में रेलवे माल गोदाम में कितना काम कर रहा आदमी। और दूसरा है कि जिसे उसको बेनिफिट देना है, किसको देता, जिसके बारे में कोई बच्चा पैदा ले लिया और उसका नाम ही कुछ नहीं जान रहा है, कैसे बुलाया जाएगा। इसलिए कि बहुत बड़ा, मैंने आज़ाद देश में गुलाम मजदूरों की आज़ादी की आज का दिन है कि लोग को आज़ादी मिलने जा रहा है। इसका पहला कदम है रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण, जो भारत सरकार इसका पंजीकरण कर रहा है। जो आदमी, जो बच्चा का एडमिशन होता है वही तो BMA करके जाता है। रेल का अधिकारी कहाँ है, यही तो पंजीकरण होगा ना? हाँ, पंजीकरण यहाँ नहीं होगा, पंजीकरण आप जाके देखिए 12-7 गोदाम में हो रहा है ना, यहाँ से हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं। अच्छा, उद्घाटन, संदेश जा रहा है, उद्घाटन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन जोन में कितना आदमी को रजिस्टर करने जा रहा है? अरे रजिस्ट्रेशन जितना आदमी काम कर रहा है सबका होगा, इसका कोई डेटाबेस नहीं था, कॉन्ट्रैक्चुअल था एकदम। ऐसे डेटाबेस रहता तो फिर इसको रजिस्ट्रेशन करने की क्या जरूरत था? सब कॉन्ट्रैक्चुअल था। तो चल रहा था इंडियन रेल, ऐसे चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी PM बना, अरे भैया बहुत अटल बिहारी वाजपेयी बने, जवाहरलाल नेहरू बने, इंदिरा गांधी बने, हैं, बहुत सारे लोग बने, देवगौड़ा जी बने, गुजराल जी बने। बनने से क्या होगा, इसका लड़ाई तो लड़ने की जरूरत है। सब कुछ नहीं जानता है कि नहीं, जब देश आज़ाद हुआ तो FCI इसी तरह से था, कोयला खदान इसी तरह से था, गवर्नमेंट इसी तरह से था, तमाम हिंदुस्तान में मजदूर काम करने वाले लोग थे, सब प्राइवेटाइजेशन था क्या, उसकी लड़ाई लड़ी गई, उसको बताया गया कि ये क्या है, बिना आपका संघर्ष किए हुए आपको कुछ नहीं हो सकता है। पूरा देश में कितना आदमी को रजिस्ट्रेशन हो रहा है? जितने लोग काम करते हैं अभी 10 लाख हमारे पास मेंबर इनका है, हो सकता है 10 लाख, तो हो सकता है बहुत से ऐसे गोदाम है, बहुत से ऐसे देश है, वैसे प्रदेश है जहां हम लोग नहीं पहुंच पाए, वो हमसे नहीं जुड़ा है कि नहीं, बढ़ सकता है, घटने की संभावना नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, इंडियन रेल से क्या ऑफर किया जा रहा है इन लोगों को, जिसका नाम पंजीकरण हो रहा है? अब जैसे भी पंजीकरण होगा तो इसको
कैसे नहीं हो सकता है? तो पूरा देश में कितना आदमी को रजिस्ट्रेशन हो रहा है? जितने लोग काम करते हैं अभी 10 लाख हमारे पास मेंबर इनका है, हो सकता है काम 10 लाख, तो हो सकता है बहुत से ऐसे गोदाम हैं, बहुत से ऐसे देश है, वैसे प्रदेश है जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पाए, वो हमसे नहीं जुड़ा है कि नहीं, बढ़ सकता है, घटने की संभावना नहीं। तो इसके बाद क्या होगा, इंडियन रेल से क्या ऑफर दिया जा रहा है इन लोगों को जिसका नाम पंजीकरण हो रहा है? अब जैसे भी पंजीकरण होगा, तो पंजीकरण होगा तो इसको रहने का व्यवस्था, पास, मेडिकल, शौचालय, ये तमाम सुविधाएं उसको मिलेगा। तो आप श्रमिक के हक के लिए लड़ रहे हैं, रेलवे श्रमिक का हक के लिए काम कर रहा है, तो इंडियन रेल को कुछ विरोधी कहते हैं कि बेच रहा है मोदी गवर्नमेंट, आपको क्या कहना है? मोदी गवर्नमेंट मान लिया जाए बेच रहा है, ठीक है, तो जो रेल चला रहा है ट्रेन ड्राइवर, क्या वो उतर करके पैसेंजर से पैसा मांगने जाएगा कि मैं रेल से लाके लाया हूँ पैसा दो? गार्ड किससे पैसा मांगेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गार्ड किससे पैसा मांगेगा? जो DRM है वो किससे पैसा मांगेगा? जो GM है उसको किससे कौन पैसा देगा? अरे व्यवस्था है उसका, है ना? ये पहले तो भारत सरकार का जो भी संपत्ति कोई बेच नहीं सकता है, जान लीजिए, कौन टैक्स दे सकता है सब पूछ रहे, लेकिन जो व्यवस्था है वो तो व्यवस्था चलता रहेगा, तनख्वाह तो मिलती रहेगा, ऐसा थोड़ी है ट्रेन रोक देगा, जिस तरह से टेम्पो पर चढ़ता है, बस पर चढ़ता है, पहले तहसील लेगा, ड्राइवर खलासी सब मिलकर बांट लेगा, उसके बाद ट्रेन चलेगा, ऐसा हो सकता है? ऐसा होगा? बोलिए, अरे आपने क्वेश्चन किया था, बोलिए, ऐसा हो सकता है? DRM वहाँ का तसलेगा, GM का तसलेगा? हाइपोथेटिकली एक बात बोल रहा है जो नहीं होने वाला है, तो लेकिन जो संपत्ति इंडियन रेल का है वो प्राइवेट एजेंसी संपत्ति रेल दे रहा है, मैं इंडियन रेल का नहीं चला पा रहा है अपना रेल, उसके बाद वो डेटाबेस जाएगा रेल के पास, रेल के पास जाएगा, रेल एक्सेप्ट करेगा तो फिर मिलेगा। हाँ हाँ, रेल एक्सेप्ट करेगा क्योंकि पिछले त्रिपक्षीय बैठक में निर्णय हो चुका है। पहले इस डेटाबेस का आगे श्रमिक को हक क्या मिल रहा था, अभी क्या मिलेगा? पिछले इससे पहले उसको कोई हक नहीं मिल पा रहा था, जब चाहता था कॉन्ट्रेक्टर जिसके अंदर में काम करता था वो हटा देता था, ना उसको कोई पहचान थी, ना उसको कोई दुर्घटना हो गया तो किसी प्रकार के कोई सहायता राशि मिलती, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं था। इस पंजीकरण के बाद उनको मेडिकल फैसिलिटी, उनको पहचान, उनको आवास योजना, तमाम तरह की योजना के साथ इनको जोड़ के उनके बच्चों के शिक्षा के लिए व्यवस्था, तमाम ऐसी सुविधा के साथ इनको जोड़ा जा रहा है। और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद रेल मंत्रालय इसको सही वेतन मान अपने अंदर लेते हुए, और जो मालवाहक आज तक सिर्फ माल भाड़ा देती थी, हमारी ये मांग थी उस बैठक में कि आप मालवाहक के साथ लोडिंग अनलोडिंग का भी जोड़ करके, जिस तरह से FCI के मज़दूरों को बेनिफिट मिला, जिस तरह से कोयला खदान के मज़दूरों को बेनिफिट मिला, जिस तरह से रेलवे के पार्सल पोर्टर के मज़दूरों को बेनिफिट मिला, उसी तहत से रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों को सीधा कंसाइनर द्वारा इसका लोडिंग अनलोडिंग का चार्ज लिया जाए और सीधे मज़दूरों को रेल द्वारा इसका वेतन मान सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए प्रस्ताव पारित है। कॉरिडोर बन रहा है ना जी जी, इसके ये गुड्स गोदाम में जो काम कर रहे हैं इनका तो हक और ज़्यादा बढ़ेगा, बिल्कुल ज़्यादा बढ़ेगा। और आने वाले समय में रेलवे माल गोदाम के जो वर्कर हैं, जो आज खाने पीने के मोहताज हैं, अपने जीवन उनका आप जीवन जाके देखिए कि रेल माल गोदाम में किस तरह से आज़ाद भारत में गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं इस पंजीकरण के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि वाकई में अब रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों का आज़ाद भारत में आज़ादी की अनुभूति होगी, उसको अपना पहचान सब कुछ प्राप्त होगा। आप बोल रहे हैं आप तो ये जो कंट्रेक्टर सही काम नहीं कर रहा है, श्रमिकों को शोषण कर रहा है, अभी तक ये सरकार के नियंत्रण से बाहर थी, पंजीकरण के बाद अब पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में आ जाएगी। एक चीज़ हो रहा है रेल में प्राइवेटाइजेशन बहुत सारे एजेंसी को इम्प्लीमेंट कर रहा है, देखिए ये सरकार की अपनी पॉलिसी है, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो प्राइवेट को दे रही है, पर रेलवे माल गोदाम के जो श्रमिक हैं या रेलवे के जो ड्राइवर हैं, रेलवे के जो TT है, ये व्यवस्था है वो कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकता है। इसके लिए रेल मंत्री ने कई बार मीडिया के सामने संबोधित किया, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है कि रेलवे का कभी निजीकरण नहीं हो सकता, हाँ उसके विकास के लिए उसमें भागीदारी बनाई जा रही है जिससे रेलवे का विकास हो। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा नाम मनोरंजन कुमार हुआ और मैं इस संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी हूँ। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने श्रमिकों के बीच में आकर उनकी आवाज़ उठाई। थैंक यू। फायदा क्या होगा? सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया बंधु को, आप जो
समाज के सबसे अंतिम पंक्ति में गुजर बसर करने वाले मजदूरों की आवाज़ बनके जो इस कार्यक्रम में आप आए हैं, आपके लिए मैं आपको हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। आज पश्चिम बंगाल से हमारा 23 मार्च 2021 को त्रिपक्षीय बैठक हुई थी। उस बैठक में की अध्यक्षता उस समय के वर्तमान श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार जी गंगवार जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुआ था। हमारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ 1998 से रेलवे माल गोदाम में जो मजदूर काम कर रहा है उसके हक अधिकार की लड़ाई लड़ते आ रही है। सबसे पहले आज आप देख भी रहे होंगे कि लगातार 28 जो जटिल कानून थी, जटिल कानून था जिसको बदल करके चार लेबर कोड में तब्दील करके देश के सामने प्रस्तुत किया गया। जो चार लेबर कोड पारित हुआ है उसका सुझाव सबसे पहले भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ ने उस समय के वर्तमान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 2003 में दिया था, जिसमें 28 अक्टूबर 2003 को हमारी त्रिपक्षीय बैठक हुई थी, जिसमें जो ब्रिटिश शासन काल में जो मजदूरों के लिए नियम कानून बनाए गए थे उस समय से उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ था। और रेलवे माल गोदाम के जो वर्कर हैं, मजदूर हैं, जो देश के निर्माण में और रेल के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करते हैं, उनको कहीं ना कहीं उन जटिल कानून के कारण से उनको सही न्याय और सही हक अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था। तो चार लेबर कोड जो पारित हुआ उसमें हमारी संगठन ने सरकार के साथ लगातार मिल करके उनको सुझाव देने का काम किया, रेलवे माल गोदाम श्रमिकों का जो हक अधिकार, उनकी जो समस्या है उनको बताने का काम किया। और उस चार लेबर कोड पॉलिसी में हमारे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के बारे में जोड़ते हुए सरकार ने त्रिपक्षीय बैठक में निर्णय लिया कि चूंकि रेलवे माल गोदाम के श्रमिक इस देश के निर्माण में बहुत भूमिका निभाते हैं, आपने देखा कि कोरोना काल में जब सड़क मार्ग, हवाई मार्ग सब कुछ बंद हो गया था, उस समय देश के सभी जनता के नागरिकों को खाद्यान्न की कमी नहीं हो उसके लिए मालगाड़ी को चालू रखा गया और माल गोदाम के श्रमिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश के निर्माण में जो कोरोना काल में जो उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि लेबर लॉ के तहत में लेबर कोड जो पारित हुआ है उसके तहत तो इसको मजदूरों को सारी सुविधा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मजदूरों को मेडिकल फैसिलिटी, अभी तक तो इसको कोई पहचान नहीं था। उसके बाद पूरे देश में श्रम मंत्रालय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की डाटा बेस कलेक्ट करे पंजीकरण के माध्यम से कि पूरे भारत में माल गोदाम के श्रमिक कितने हैं, पार्टिकुलर किस किस गुड सेट में कितने कितने वर्कर हैं, इसका पूरा डाटा बेस कलेक्ट कर करके रेल मंत्रालय के समक्ष उसको देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि चूंकि लेबर लॉ के तहत में लेबर कोड जो पारित हुआ है उसके तहत तो इसको मजदूरों को सारी सुविधा जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, मजदूरों को मेडिकल फैसिलिटी, अभी तक तो इसको कोई पहचान नहीं था। उसके बाद पूरे देश में श्रम मंत्रालय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों की डाटा बेस कलेक्ट करे पंजीकरण के माध्यम से कि पूरे भारत में माल गोदाम के श्रमिक कितने हैं, पार्टिकुलर किस किस गुड सेट में कितने कितने वर्कर हैं, इसका पूरा डाटा बेस कलेक्ट कर करके रेल मंत्रालय के समक्ष पुनः हम लोग ये जब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा पुनः हमारी त्रिपक्षीय बैठक होकर के रेल मंत्रालय के समक्ष ये प्रस्तुत किया जाएगा और रेल मंत्रालय से इन मजदूरों का जो अभी तक शोषण हो रहा है, 50 किलो वजन उठा करके अपने कंधों पर कोयला, लोहा एवं तमाम देश के जितने भी माल की लोडिंग अनलोडिंग है वो कर करके उनको बहुत ही कम मजदूरी मिलती है। ये डाटा बेस कलेक्ट कर करके श्रम मंत्रालय और श्रमिक संघ प्रतिनिधि रेल मंत्रालय के समक्ष फिर पुनः प्रस्ताव पारित करते हुए इनको सही वेतनमान, इनको मतलब क्या है कि आज जो डेटाबेस बनाया जा रहा है ये आपका संगठन की तरफ से बनाया है? नहीं, ये आज जो डेटाबेस बन रहा है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा से बनाया जा रहा है। उसके हेड, स्टेट हेड पश्चिम बंगाल के भी आए हुए हैं, उनके कर्मचारी आए हुए हैं। ये कार्यक्रम शुरुआत हो के आज 12/7 माल गोदाम के कुछ महत्वपूर्ण जो सरदार हैं उनका पंजीकरण आज होगा और परसों मंडे से प्रत्येक माल गोदाम में 12/7 जोन में कितना अपना अभी पूरे पश्चिम बंगाल में लगभग 70,000 वर्कर माल गोदाम के अंदर काम करते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन होना है और पूरे देश में रजिस्ट्रेशन होना है। हमारा पूरे देश में लगभग 6.5 लाख वर्कर काम करते हैं रेलवे माल गोदाम के अंतर्गत। इससे पहले हमारा 2 महीना पहले दिल्ली प्रदेश में इसी तरह का उद्घाटन हुआ, दिल्ली प्रदेश में भी लगभग 12 से 15 हज़ार वर्कों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लेबर मिनिस्ट्री ने आज